नमस्कार। आज कल की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई उसके बाद अभी तक गुजरात में जो नए केसेस आए हैं इस प्रकार से हैं, कुल नए केस 176, और आज 7 ऐसे केसेस हैं कि जिसमें हमारे जो मरीज थे चिकित्सा ले रहे थे और फिर उनका दुखद अवसान हुआ है, और 2 ऐसे लोग हैं जो डिस्चार्ज होके वापस अच्छे होके घर चले गए हैं। इसमें 176 केस में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में है 143 केस हैं, वडोदरा में 13, सूरत में 13, राजकोट 2, भावनगर 2, आनंद 1, भरूच 1 और पंचमहल 1। इस तरह से 176 केस पूरे पॉजिटिव आ जाए हैं। इसमें फिर से हम कहेंगे कि इसकी वजह से बिल्कुल पैनिक या घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं विस्तारों में जहां पर ये ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा केसेस आए थे जिसकी वजह से उसे हॉटस्पॉट कह रहे थे, उन विस्तारों में जब ये घनिष्ठ चेकिंग हुआ है तो उसकी वजह से इतने केसेस पॉजिटिव निकले हैं। 2 चाली में या फिर 3-4 ऐसे लोकेशंस में उधर से ज़्यादा केसेस निकले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस बीमारी में ऐसे होता है कि 80% लोग एसिम्टोमैटिक होते हैं या माइल्डली सिम्टोमैटिक होते हैं। 20% लोग उसमें भी 5% जो है, मतलब 20 में से 15% ऐसे होते हैं कि जो जिनको थोड़ा सा बुखार हाई है वगैरह, पर 5% ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल यानी कि वेंटिलेटरी केयर आईसीयू में जिनको रखना पड़ता है। इस तरह से आज जो मृत्यु भी हुए हैं उसमें देखा जाए तो अहमदाबाद के 4 महिलाएँ हैं, सभी 50, 60, 70 और इस तरह से अलग अलग जिसे हम एल्डरली के कैटेगरी और कोमॉर्बिड जिन्हें और भी बीमारियां थी उस कैटेगरी में कह सकते हैं। और वैसे ही सूरत की एक महिला, अरवली की एक महिला जो यूएन मेहता में हार्ट प्रॉब्लम से आई थी और कोविड का भी टेस्ट किया वो पॉजिटिव आई थी, और वैसे ही वडोदरा के एक पुरुष जो SSG हॉस्पिटल में 60 वर्ष के थे। इस तरह से हैं जो लोग डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं, 2 हैं ऐसे, राजकोट के एक 39 वर्ष के एक पुरुष 39 और एक 34 वर्ष के पुरुष गांधीनगर से, GMERS गांधीनगर से अच्छे होके वापस गए हैं। इस तरह से आज खास 2 और चीज़ें कहनी हैं कि रैपिड टेस्टिंग किट्स हवाई जहाज से कल दिल्ली से हमारे यहाँ 24,000 जितने आए हैं, और इन सबका आज हमारी निष्णात टीम सवेरे उनके साथ डिटेल में मेरी मीटिंग टेलीफोनिक हुई है, और इसका टेस्टिंग भी ये लोग अब करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे, और आज 1 बजे से बाईसैक के द्वारा, सैटकॉम के द्वारा हमारे पूरे राज्य के जो दोपहर के टाइम में हेल्थ वर्कर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर्स और जो लैब टेक्नीशियंस हैं और उसके साथ हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और आशाज, इन सबको भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके अलावा आज खास ये भी एक बात कहनी है मुझे कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन के लिए भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने वहाँ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ भी इसकी बात की, और उसके दो तीन बार फॉलोअप से कल देर रात तक हमें वहाँ से जो भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं श्री सोमानी साहब, उनका भी फ़ोन आया है, उन्होंने भी एक मौखिक परमिशन दे दी है, और ये प्रोसेस अब हमारे जो सिविल हॉस्पिटल और जो हमारे कोशिया जी जो हैं ड्रग FDCA के कमिश्नर, और इसमें निधि भटनागर जी जो माइक्रोबायोलॉजी टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, और इस पूरी टीम के साथ SVP के डॉक्टर भी हैं और हमारे सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद के भी इंटेंसिव केयर के जो डॉक्टर्स हैं, ये सब आज इसका कैसे प्रोटोकॉल वगैरह बना के, हमारी इच्छा और हमारा अनुमान है कि आज दिन दरमियान ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन अपने यहाँ ट्राई कर पाएंगे सफलतापूर्वक, ऐसे हमारी इच्छा है। सबसे अनुरोध करेंगे कि जितना बन सके लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको अनुपालन करना है, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको जितना भी विश्वास हो या तो आयुर्वेद में या होम्योपैथ में, और जनरल योग व्यायाम, बिल्कुल तनाव स्ट्रेस न रखें, बिल्कुल अतिशय डरने की
या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। घबराहट से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, इसीलिए मानसिक बिल्कुल एक समता बनाए रखें और अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड सा अच्छा सादा सिंपल इजीली जो डाइजेस्ट हो सके ये भी आप खाना लें, और जितना बने सिंपल एक्सरसाइजेस योग अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करें। और अगर आपको निःशुल्क धोरण पर आयुर्वेद दवाई जो हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देते हैं अगर ज़रूरी हो तो हमारे नज़दीक के नज़दीक आपके घर के नज़दीक के नज़दीक जो हमारे आयुर्वेद के दवाखाने हैं डिस्पेंसरीज हैं ये वैसे ही होम्योपैथी के भी जो डिस्पेंसरीज हैं उसका आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से दवाई भी आप ले सकते हैं। और जितने भी घर में बुजुर्ग अपन अपने लोग हैं बड़ी उम्र के लोग हैं उन सबको बिल्कुल उनकी हिफाजत करिए, क्योंकि अगर देखा जाता है कि अभी जो गंभीर और मृत्यु वाले भी जो केसेस आ रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली ये दिखने को मिल रहा है कि जितने लोगों की उम्र बड़ी है और साथ में अगर वो कोमॉर्बिड हैं तो ऐसे केसेस भी थोड़ा उनका एक डेंजर लेवल ज़्यादा रहता है। और वैसे ही उम्र कम हो लेकिन ये जो अन्य बीमारियाँ जैसे बीपी डायबिटीज़ स्ट्रोक हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो उनको और भी ज़्यादा केयरफुल रहना है, ये हमारी अनुरोध है। और सबसे अहम चीज़ एक भी कहना चाहेंगे आप सबसे कि एक आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है अपने फोन्स पर मोबाइल्स पर आप सब डाउनलोड कर लीजिए। ये अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अगर आपके नज़दीक कोई भी कोविड पॉजिटिव का केस आए तो उस पर बीप होने लगेगा, तो इस तरह से आप बिल्कुल अपने आप को अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।